पर आप देख सकते हो यूनियन बैंक का ये इनवेलप है जिसमें अपने इस कार्ड को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ये हमारा यहाँ पे हमारा ये कार्ड है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा कार्ड है और जो कि काफी अच्छा है, लुक भी इसका काफी अच्छा है। तो मैंने सिक्योरिटी रीजन से इसको मैंने ब्लर किया हुआ है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं इस कार्ड को आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये जो कार्ड है दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करें तो ये यूनियन बैंक का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है और ये रुपए वेरिएंट में ये कार्ड आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके ट्रांजेक्शन वगैरह की, तो सबसे पहले मैं इस कार्ड को आपको उखाड़ के दिखाता हूं, तो इसको मैं उखाड़ लेता हूं इस तरीके से। तो कार्ड को मैंने यहां से उखाड़ लिया है, तो ये पूरा हमें लेटर मिलता है जो कि आप यहां पे देख सकते हो, पूरा एक लेटर है यूनियन बैंक का, ठीक है। और पीछे में आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा, तो आगे में इंग्लिश में है और पीछे में हिंदी में। अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ूंगा तो काफी ज्यादा आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल और छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको इस कार्ड का जो सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इंग्लिश में है, तो मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा क्योंकि हिंदी में बहुत सारे लोग आराम से समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपका न्यू अकाउंट है और आपको ये कार्ड मिला हुआ है, तो इस कार्ड के जारी होने के 2 वर्षों के बाद से 200+ में जीएसटी की वार्षिक फी ली जाती है। यानी कि अगर आपका न्यू अकाउंट है या उन खातों के लिए माफ किया जाता है जिसमें पिछले 40 वर्ष, अगर आपका न्यू अकाउंट है तो अगले 2 साल तक आपका कोई भी एनुअल फी और जीएसटी वगैरह कुछ नहीं लगेगा, आपका ये फ्री रहेगा। लेकिन 2 साल के बाद दोस्तों आपका जो फीस जाएगा कार्ड का वो 200+ में जीएसटी जाएगा। और एक जो है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि इस कार्ड के साथ साथ आपको यहां पर 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। यहां पर आप देख सकते हो कार्ड में प्राथमिक कार्ड धारक के लिए 2 लाख तक का, द्वितीय कार्ड धारक के लिए 1 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है। जी दोस्तों, अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपका 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। यहां पर आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस है, ठीक है। और दोस्तों बीमा के दावे का भुगतान तभी किया जाएगा जब कार्ड धारक द्वारा मृत्यु से पहले के 90 दिनों के अंदर POS ई-कॉमर्स ATM निकासी का लेनदेन कम से कम एक सफल लेनदेन किया गया हो। यानी कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और 3 महीने के पिछले, मतलब कि डेथ से लास्ट 3 मंथ्स के अंदर अगर उसने कोई भी ट्रांजेक्शन किया हुआ, यानी कि उसका कार्ड एक्टिव है, तो उसको 2 लाख का बीमा कवर मिल जाएगा, 2 लाख रुपए उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप लोग भी इस कार्ड को बनवाना चाहते हो तो इस कार्ड का नाम देख सकते हो, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है और ये रुपए स्पार्क डेबिट कार्ड है, ठीक है, जो कि रुपए वेरिएंट में है। तो इस कार्ड के साथ साथ आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवरेज भी मिलता है, तो काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोग यूनियन बैंक के यूजर हैं तो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जाकर के अपने बैंक मैनेजर से कॉन्टेक्ट कीजिए और इस कार्ड के लिए अप्लाई करवा लीजिए। और दोस्तों अगर आप किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यूनियन बैंक से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।